आई होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी बेसिक कमांड्स होती है जो एज ए एस ए पी बेसिस एंड दी हाना एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें पता होनी चाहिए। सो जस्ट विल सी द फ्यू कमांड्स दैट वी मस्ट नो जो हमें पता होनी चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। सो द फर्स्ट कमांड इज द एल एस। ओके सो सो इट विल ये हमें हेल्प करती है टू फाइंड द यू नो फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्टरी और इन द फाइल सिस्टम में कौन से डायरेक्टरीज है वो उसके लिए हमें हेल्प करती है। सो अगर आप ज़्यादा लाइक डीपली इंफॉर्मेशन चाहते हैं एल एस कमांड से, सो एल एस हाइफन ALTH एंड R अगर आप इसको यूज़ करते हैं सो लाइक आपको फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो हेल्प करेगी आपको सॉर्ट करने के लिए डेट के विद हेल्प ऑफ द डेट एंड एज वेल एज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी। ओके सो द नेक्स्ट कमांड इज DF-H। सो ये कमांड नेसेसरी होती है जब हम लोग ओएस का व्हेन वी डू द ओएस एडमिनिस्ट्रेशन। सो लाइक जब वी नीड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द फाइल सिस्टम सो दैट्स दैट टाइम हमें यूज़ करना होता है DF-EH। ओके सो इसमें मैं मेरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखिए इसमें बहुत सारी और भी कमांड्स है जो जो डीप लेवल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, बट एज एस ए पी बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर आई एम टॉकिंग ओनली द फ्यू कमांड जिसके हमें ज़रूरत होती है। ओके सो दिस इज़ द वन मोर कमांड। सो अनदर कमांड दैट इज़ यू नो DU-SH स्टार। सो ये कमांड हमें हेल्प करती है टू गेट द डिटेल्स अबाउट द साइज ऑफ द फाइल सिस्टम फाइल फोल्डर्स एक्सेट्रा। सो इससे हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हैं तो DU-SH डॉट अगर आप एंटर करेंगे सो आप यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर फोल्डर सो दैट इंफॉर्मेशन। सेकंड इज आपका लोकेशन PWD। सो PWD हेल्प्स करंट प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी कौन सी है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सो दैट्स दी यू नो द कमांड। सो कभी कभी लाइक समटाइम्स इट्स हैपन दैट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है बट यू नो हमें कुछ फाइल सिस्टम मिसिंग होती है उस समय पे। सो द कमांड दैट वी नीड टू रन दैट इज LSBLK। सो इट्स हेल्प अस टू यू नो रन द कमांड। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द फाइल सिस्टम दोज आर यू नो अटैच टू दैट पर्टिकुलर होस्ट और द सिस्टम को अटैच जो होती है सो उसे हमें फाइंड हो जाते हैं। तो इनके इन आ केस हमारे केस में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 80 GB के डिस्क दिख रही है, बट अगर हम लोग अगर चेक करेंगे DF-H करके सो वी कैन सी यहाँ पे कोई 80 GB साइज का कोई फाइल सिस्टम माउंटेड नहीं है। सो जस्ट वी विल माउंट माउंट देन डेव देन STB देन द नेम ऑफ द फाइल सिस्टम विच वॉज क्रिएटेड। सो अभी अब आप देख सकते हैं मैंने हाना करके फाइल सिस्टम को माउंट किया है। सो हियर वी कैन गेट द फुल डिटेल्स उसकी साइज़ के बारे में, दैट इज़ अ टोटल इज 80 GB का साइज़ है एंड नाउ द यूजेज मीन्स अवेलेबल दैट इज़ द 7.5। सो ऑल दिस आर द बेसिक कमांड जो आप यूज़ कर सकते हो वेल यू नो आप जब OS लेवल पे फाइल सिस्टम को मॉनिटर करते हो। और भी कमांड है जैसे RM है जिसे आप यू नो डिलीट कर सकते हो जो फाइल सिस्टम आपको जैसे कि कोई फाइल्स और अगर कोई बैकअप्स की फाइल्स है बैकअप की फाइल्स है जो आपको नहीं चाहिए सो उस फाइल को डिलीट करने के लिए RM यूज़ कर सकते हो। देन मूव सो टू मूव द फाइल अगर आपको फाइल डिलीट नहीं करनी है तो आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। सो दिज आर ये सब कुछ बेसिक कमांड्स है
जो आप यूज़ कर सकते हो। हम अगर ऑलरेडी अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हाना में हूँ, तो मैं जस्ट आपको शो करना चाहूँगा कि हाउ टू यूज़ द मू एंड आरएम कमांड। सो हम जस्ट एक फाइल क्रिएट करेंगे, कोई एक टेस्ट फाइल। ओके सो उस फाइल में हम कुछ एंटर करेंगे कंटेंट, जस्ट नाउ साइज बहुत कम है, सो जस्ट वी विल एंटर फ्यू। ओके सो अभी हमने फाइल में थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया है, फाइल का साइज भी चेंज हो चुका है, यू कैन सी दैट। सो अभी एक काम कर लेते हैं, हम इसमें इसको कॉपी इसका एक कॉपी बना लेते हैं। सो दिस इज़ वन मोर कमांड कॉपी, जिससे आप फाइल की एक मिरर कॉपी बना सकते हो, जो इन केस ऑफ जब हम बेसिस की एक्टिविटीज परफॉर्म करते तो दैट टाइम बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू कैन टेक द बैकअप बाय रनिंग द cp कमांड। सो cp टेस्ट, और मैं फाइल को नाम दूंगा अंडरस्कोर बैकअप। ओके सो आप देख सकते हो कि अभी हमने एक टेस्ट बैकअप करके फाइल बना ली है। ओके सो एक काम कर लेते हैं, हम इसे हाना में एक फोल्डर भी बना लेते हैं। सो फोल्डर क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए कमांड रन करनी होगी हमें, mkdir, देन एक फोल्डर का नाम दे देते हैं हम इसमें हाना 2.2 SP5। ओके सो हमने ये फाइल बना लिया है यहाँ पे फोल्डर। सो अब हम काम कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, जैसे कहा था मूव कमांड टेस्ट। ओके सो मूव करने के लिए हमें फाइल सिस्टम का पूरा पाथ देना पड़ेगा। सो हाना हाना, देन नाउ वी कैन सी फाइल यहाँ से अब मूव हो चुकी है, फाइल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द मूव कमांड जो हमने अभी रन किया था। नाउ वी विल अभी हम काम कर लेते हैं, हम डिलीट कमांड को ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई फाइल डिलीट करना है तो rm-rf टेस्ट। सो बेसिकली अगर हम rm टेस्ट कर लेते तो भी फाइल डिलीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट rm-rf ये जो है, अगर कोई फोल्डर डिलीट करना है आपको जिसमें कोई ऑलरेडी फाइल्स है, तो डिलीट नहीं हो पाएगा। जस्ट वी विल सी वंस दैट टच टेस्ट, ओके सो अभी हम देख सकते हैं हमने आना 2 SP05 में एक फाइल बना ली है। ओके सो बैक कर लेते हैं इसको, cd डॉट डॉट करके बैक किया जाता है। नाउ वी विल ट्राई टू डिलीट दिस फोल्डर विद द rm। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिलीट नहीं हो सकता बिकॉज ये डायरेक्टरी है, तो अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हमें कमांड रन करने पड़ेगी rm-rf, जो रिकर्सिव एंड फोर्सफुली डिलीट कर लेता है फाइल्स को एंड फोल्डर्स को। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। सो लाइक दिस इज़ बेसिक कमांड जो मैं यूज़ करता हूँ जब OS लेवल पे अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी अगर मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ सूजी लिनक्स एंड OS। सो अगर आपको OS का वर्जन देखना है सो कैट करके देन सॉरी etc OS रिलीज करके अगर हम देखेंगे सो वी गेट द डिटेल्स अबाउट द OS के वर्जन्स के लिए। यूनेम अगर हम रन करते हैं तो लिनक्स तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप देख सकते हो। uname-a अगर हम रन करते हैं सो वी विल गेट द फुल डिटेल्स अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके अगर यहाँ पे मैं
कमांड रन करता हूँ होस्ट नेम, देन आई विल गेट द डिटेल्स अबाउट द होस्ट नेम. ओके सो और भी बहुत सारी बेसिक कमांड्स है जो हमें पता होनी चाहिए एज अ बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आएंगे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ जो होंगे आना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे. सो प्लीज़ यू नो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए सो प्लीज़ सजेस्ट मी विद द कमेंट्स. यू कैन ऑल्सो यूज माई ब्लॉग. यू कैन ऑल्सो यूज़ माई ब्लॉग जो है रिलेटेड टू हाना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. उसमें आपको SAP SLT के रिलेटेड भी कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे. सो यू कैन आप लोग देख सकते हो, यू नो मैनी पीपल्स आर यूजिंग दिस साइट ब्लॉग. सो द बेसिक मोटो इज़ यू नो बिहाइंड मेकिंग द वीडियो इज दैट टू हेल्प each other, because when I started my career I was looking for this basic commands and there are many other things. Okay so hopefully I will help you, मैं help कर पाऊँ आपको to get that details to you know आपका career start करने में जिसका help हो सकता है आपको. so thank you for watching my video.